बंदाम भंते जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप अभी भगवान बुद्ध के जन्मस्थली से लौट रहे हैं और धम्म यात्रा पर आज आप 17 नवंबर से निकले हुए हैं। सांकिसा गए, फिर आप श्रावस्ती, श्रावस्ती से आज आप लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में कपिलवस्तु भी हुआ। तो आप कुछ धम्म यात्रा दीजिए के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका? ऐसे है, मनुष्य जीवन में जो भी बुद्ध धम्म संघ को जानता है, मानता है, अध्ययन करता है, उसे इन ऐतिहासिक स्थानों पर आना चाहिए। क्योंकि बुद्ध के काल में ही बुद्ध ने अपने धम्म देशना में कहा कि अपने जीवन में एक बार इन जहाँ पर बोधिसत्व का जन्म हुआ, वो स्थान जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया वो स्थान, और जहाँ पर उन्होंने धम्म का पहला उपदेश दिया वो स्थान, और जहाँ पर अपना अंतिम शरीर छोड़ा है महापरिनिर्वाण मुद्रा में, ऐसे इन चार महातीर्थों की यात्रा करना मंगलदायी है। और महाराजा अशोक ने इन महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित किया, और इन स्थानों की वजह से आज 2300 साल के बाद भी महाराजा अशोक की वजह से ये स्थान हमें सुरक्षित दिखाई देते हैं। और खुदाई में ये निकले हैं, बीच में बहुत समय तक के टीले बन गए थे, लेकिन यहाँ से जो बुद्ध धम्म विदेशों में महाराजा अशोक ने भेजा, जो मिशनरी भेजे, उनकी वजह से अड़ोस पड़ोस के देशों में बुद्ध धम्म सुरक्षित है। पाली भाषा को वहाँ पर राजाश्रय मिला हुआ, इसलिए पाली भाषा सुरक्षित है। त्रिपिटक साहित्य वहाँ पर मौजूद है। और फिर यहाँ भारत में बाबा साहब की वजह से फिर दोबारा 2500 सालों के बाद ये द्वितीय बुद्ध शासन जो शुरू हुआ, नागपुर के दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, गुरु चंद्रमणि जी से दीक्षा लेकर के, तो ये भारत में बुद्ध धम्म गतिमान हुआ। और जितने लोगों को अछूत बना के, दलित बना करके, दबा के, हरिजन के नाम पे जो रखा हुआ था सता करके, जिनको खाने नहीं देते थे, जिनको अच्छे कपड़े पहनने नहीं देते थे, ऐसे तमाम तमाम लोगों की आज़ादी बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से सुनिश्चित की। और भारतीय संविधान की वजह से लोगों को अधिकार मिले, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मकान बना रहे, बड़े बड़े अधिकार, और देश विदेशों में भी जा कर के अपना बाबा साहब के मिशन का डंका बजा रहे हैं, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बुद्ध धम्म के स्थानों को देखने के लिए विदेशों में जाते हैं, विदेश के यात्री ये बुद्ध के जो जन्म स्थान और जहाँ महापरिनिर्वाण स्थान, तमाम स्थानों पर विदेशों से लोग आने वाले लोगों की संख्या है। अभी अभी हमने एक परिवार को देखा जो जर्मनी से साइकिल से 550 दिन की यात्रा करके इस स्थान पे आया। तो ऐसे तमाम लोग जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति इन स्थानों को दर्शन करने के लिए, पूजा वंदना करने के लिए, इन स्थानों पे आके ध्यान करने के लिए, जो बुद्ध ने दुख मुक्त होने का मार्ग खोजा, उस मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए लोग आते हैं, अभ्यास करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, और उसके बाद लोगों को भी बताते हैं कि यह सही में दुख मुक्ति का मार्ग है। और अपने को जानो, अपने को बिना जाने कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, इसलिए अपने को जानने के लिए अपनी जो श्वास है, आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, इस श्वास के ऊपर में ध्यान केंद्रित करके मन को शुद्ध करने की विधि तथागत बुद्ध ने जो सिखाई उसका अभ्यास करते हैं, और अपने जीवन में कैसे विकास और अपना भला करना है उसके बारे में जो तथागत ने 38 मंगल का उपदेश दिया, उन 38 मंगल की प्रेरणा अपने जीवन में जगाना, और बुद्ध धम्म संघ की वजह से अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से सफल करना, यह बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया उसका मेन उद्देश्य है कि हमारी गरिमा, हमारा मान सम्मान दोबारा, हम लोग जो महान सम्राट अशोक के वारिस जो है, ये जो दलदल में फंसा दिए गए थे मनुवादी व्यवस्था में से, इसमें से निकाल करके, दलदल वाली व्यवस्था से निकाल करके, जितने भी लोग जितने जल्दी निकल जाए, पाखंड से बाहर हो जाए, और अत्तदीप भव, स्वयं के मालिक स्वयं हैं, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसलिए हम स्वयं अपने मालिक है, हमारा कोई मालिक नहीं है और कोई ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला है तो हमारे हाथ के नीचे है, यह मेरा सिर के नीचे जो हाथ है ना, हाथ के नीचे है, हाथ के नीचे माने यहाँ दिमाग है, ये दिमाग जो है ऊपर है, इसलिए ऊपर वाला माने दिमाग जो है। तो सर, सर एक मिनट का आपका यहीं पर, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो आज काफी कुछ हम लोगों ने देखा, और लुम्बिनी में आए और स्थान का दर्शन किया। हाँ, तो अभी आप तमाम सभी लोग जो है, दर्शक जितने भी देखेंगे, सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, और सभी अज्ञान
और ये अछूत फान, दलित फान, नीच पन के दलदल से बाहर निकल जाए, जितना जल्दी हो निकल जाए उतना इस देश का भला होगा और उन लोगों का भी भला होगा जो इसमें से दरिद्र से बाहर आ जाएंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब।